तो हम लोगों का ये टॉपिक क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 220, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 220। ठीक है, इसको कौन रिलीज करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको रिलीज करता है। देखो चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या होता है, ठीक है, आप बोल सकते हो कि ये उद्योगपतियों का एक समूह होता है, आप ऐसा इसको बता सकते हो, एक उद्योगपतियों का जो प्राइवेट एंटिटीज हो सकती हैं, इनका भी ये क्या होता है, एक समूह होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ऐसा ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, इसी का भारत में जो कंपनी आप बोल सकते हो या एक ग्रुप बोल सकते हो, वो कौन सा है, फिक्की, FICCI, फिक्की, ये आप याद रखना। ठीक है, फिक्की मतलब क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये फिक्की का फुल फॉर्म है। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिक्की। फिक्की कब एस्टेब्लिश हुआ था, आप इसमें लिख लेंगे 1927 को एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, 1927 को जब साइमन कमीशन आया था ना, तब महात्मा गांधी ने भारत के कुछ उद्योगपतियों को, जैसे बिरला, जेआरडी बिरला, ठीक है, इनको क्या किया था, एडवाइस दिया था। ठीक है, उसी एडवाइस को यूज करते हुए भारत में उद्योगपतियों का एक समूह बना था 1944 में, और इसी से रिलेटेड है आपका बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान भी उद्योगपतियों से एक रिलेटेड मतलब प्लानिंग था, यानी कि सम्मेलन था। ठीक है, कॉन्फ्रेंस आप कन्वेंशन बोल सकते हो। ठीक है, मैं आपको कुछ हिस्ट्री से बात बता दिया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो फिक्की भी क्या है, भारत की चैम्बर ऑफ कॉमर्स कंपनी है। खैर, भारत की बात अभी अलग करते हैं। ठीक है, जो ग्लोबल इंटेलेक्चुअल या इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 220 है, इसको रिलीज करती है कौन, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या होता है। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो उद्योगपतियों के समूह होता है, उसको यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स बोलते हैं, वो इस इंडेक्स को रिलीज करती है। ठीक है, 2020 में टॉप किया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में कौन, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, और 14th रैंक आई है हमारे देश इंडिया की। ठीक है, इंडिया की रैंक कितनी है, 40वीं, 40th रैंक। ठीक है, टॉप किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने, और इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 40, ये 40, 40वीं रैंक। ठीक, अब देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप लोगों को समझना होगा कि ये क्या होता है। तो भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको पता होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सब ये प्रॉपर्टी के टाइप्स ही होती है, और ये कोई ये प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड होती है, इसके चार कैटेगरीज अगर आप जानोगे तो आप समझ जाओगे कि ये प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, वी वर्ल्ड में ये देखा जाता है कि किस किसके पास सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ट्रेड सीक्रेट्स। अब देखो भाई, ट्रेड सीक्रेट्स आप लोगों को सीक्रेट्स क्या है, सीक्रेट्स वही होता है जो राज छुपा के रखने वाली चीज है। ठीक है, अब भाई देखो, आपके पास जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं, ठीक है, अगर आप भाई बिजनेस चला रहे हो तो आपके पास कुछ सीक्रेट्स होना चाहिए कि भाई मैं किस तरीके से अपनी बिजनेस चलाऊंगा, उसको किस तरीके से एडवर्टाइज करूंगा, उसमें कुछ अगर कुछ बातें हैं जिसको आपने अपनी मेहनत से बनाया है। ठीक है, तो वो क्या होती है, ट्रेड सीक्रेट, जिससे आप अपनी कंपनी को ग्लो करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रेड सीक्रेट्स। ठीक, तो भाई ये जो ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, इस ये देखा जाता है कि किसके पास भाई सबसे ज्यादा ट्रेड सीक्रेट, यानी कि कौन सबसे अच्छा अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा है कुछ ट्रेड सीक्रेट्स के साथ। ठीक है, पेटेंट्स को देखा जाता है,
पेटेंट्स को देखा जाता है। ठीक है, देखो पेटेंट्स आपको पता होगा, जैसे कोई भी चीज का आधिकारिक मतलब उसका मतलब मालिकाना हक लेना, मालिकाना हक लेना, पेटेंट करवाना। ठीक है, अब देखो पेटेंट कराना मतलब क्या होता है, जैसे जीआई टैग आपने सुना होगा, ज्योग्राफिकल इंडेक्स जो टैग होते हैं, इसमें जैसे छत्तीसगढ़ से अब हम लोगों ने उठाया बेल मेटल। ठीक है, तो बेल मेटल निकला कहां से था, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से निकला था, इसीलिए जीआई टैग किसको मिला, बस्तर, बस्तर को मिला। तो ये क्या है, यानी कि बेल मेटल का जो मालिकाना हक है वो कहां से है, मूल हक, यानी कि उसका इनिशियल एरिया कौन सा है, बस्तर है। ठीक है, तो ये क्या हमने क्या बोला, उसने बेल मेटल के लिए पेटेंट करवा लिया। ऐसे ही आपको गुलाब जामुन पता होगा, सॉरी रसगुल्ला, वेस्ट ओडिशा को मिल गया है, पहले वेस्ट बंगाल को मिला था, बाद में ओडिशा को मिल गया है। ठीक है, ऐसे ही सब हमको जीआई टैग मिलता है। तो ये सब क्या है, पेटेंट कराने वाली चीजें हैं, तो इसको भी देखा देखा जाता है। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पेटेंट, अभी देखो कुछ आविष्कार भी होता है, जैसे नोबेल प्राइज में आविष्कार होता है, उस आविष्कार को भी देखा जाता है कि ये क्या है, पेटेंट किसके नाम पे। तो ये सभी पेटेंट क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे ज्यादा पेटेंट आपको अगर पूछेगा कि मैक्सिमम पेटेंट किस कौन सी कंट्री के पास है, तो चाइना के पास है। ठीक है, सिर्फ पेटेंट की बात कर रहा हूं। कॉपीराइट्स आपने जानता होगा, कॉपीराइट्स आपने बुक्स या पब्लिशर्स में सुना होगा कि भाई इस बुक का कॉपीराइट करना क्या है, मतलब कॉपीराइट क्या है, एक पर्टिकुलर कंपनी के पास है इसका कॉपी करना या इसी को ही क्या करना, रिपब्लिश करना बिना विदाउट परमिशन, ये क्या होगा, एक क्राइम है, ये आपने सुन। तो ये कॉपीराइट्स वाले मामले भी देखे जाते हैं। ठीक है, और देखे जाते हैं क्या, ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क्स आपको पता होगा क्या होते हैं। ठीक है, ट्रेड करने की जो मार्क्स मतलब साइंस सिंबल्स होते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, आपने कोई कंपनी बनाया आपका सिंबल, उससे उसी सिंबल किसी और ने क्या नया क्या कॉपी करके वहाँ डाल दिया, तो एक कॉपीराइट का मामला भी और ट्रेड मामला भी हो जाएगा। तो इन सभी को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये सभी चीज में सबसे टॉप में कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स है, और इंडिया कौन से नंबर पर है, 40th नंबर पर है। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस आप लोगों के तरफ से। ठीक है, तो ये था आपका क्या, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर एक चैप्टर है लीगल के बुक में। ठीक है सर, पेटेंट समय, पेटेंट मतलब ये होता है कि किसी भी चीज का मालिकाना हक लेना, पेटेंट करवाना मतलब। ठीक है, तो पेटेंट जैसे कि आपने भाई कुछ आविष्कार किया, मान लो आप क्या, आपने कोई नया मेटल खोजा, मेटल खोजा, तो आप बताओगे ना भाई कि मेटल आपने खोजा है, हो सकता है कि इसका श्रेय, जो श्रेय लेना बोलते हैं ना, श्रेय कोई और ले ले, तो इसके लिए आप क्या करोगे, उसके आप पेटेंट करवाओगे जाके। पेटेंट कराने के लिए एक अलग से इंस्टीट्यूशन होती है सरकार की, वहां पर जाके बताया जाता है कि भाई इसको मैंने खोजा है, यानी कि इसको मैंने बनाया है, ये मेरा नया इनोवेशन है, उसको कहते हैं हम पेटेंट करवाना। ठीक है, ट्रेड सीक्रेट, भाई ट्रेड सीक्रेट ये होता है कि आपके पास क्या होता है, कुछ आइडियाज होते हैं जिसके कारण आप क्या करते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करते हैं। वो कोई तरीके भी हो सकते हैं, वो कोई पर्टिकुलर चीज भी हो सकती है, वो कोई पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकते हैं जिसके कारण आपका ट्रेड बढ़ा है, बट आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते उसको, बस बोलना चाहते हो कि भाई हमारे पास कुछ ट्रेड सीक्रेट है जिनके कारण हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही है, इसी को कहते हैं ट्रेड सीक्रेट। ठीक है, समझ में आया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। थैंक यू सो मच।